शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को देश भर में कई तरह की रैंक मिल रहे हैं और इन दिनों स्कूल को अपग्रेड करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। हैरानी इस बात की है कि रैंक मिलने और स्कूलों को अपग्रेड करने के बाद भी शिक्षा जगत की हालत बहुत ही दयनीय होती जा रही है। जिला के सदर विकास खंड की बंदला पंचायत के प्रणाली स्कूल में पिछले 6 माह से एक ही अध्यापक स्कूल की कमान संभाल रहा है। वह भी स्कूल प्रबंधन व अन्य कार्य में व्यवस्था के चलते बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है। ऐसे में लंबे समय से बच्चे स्कूल बैग में खाली कापियां और बंद किताबें लेकर घूम रहे हैं। वहीं राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रणाली की इस हालत को लेकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी लगातार इसके सुधार के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। स्कूल की SMC ने शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन के जरिए उप निदेशक शिक्षा विभाग को बताया है कि पिछले 6 माह से एक अध्यापिका के सहारे स्कूल चल रहा है, जबकि पाठशाला में पहली कक्षा से 5वीं तक के 60 छात्र शिक्षा ग्रहण करने प्रतिदिन स्कूल पहुंचते हैं। इसके साथ ही प्री नर्सरी के भी 20 बच्चे पाठशाला में आते हैं और पिछले 6 महीनों से बंद किताबें कॉपियों को लेकर घूम रहे हैं। स्कूल की इस हालत से बच्चों की पढ़ाई पर खराब असर पड़ रहा है। स्कूल की इस हालत को लेकर कई बार शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन को बताया जा चुका है, लेकिन अब भी सुधार नहीं हो रहा है। स्कूल की SMC व स्थानीय लोगों ने अब मन बना लिया है कि जल्द ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह स्कूल में ताला लगा देंगे। हमारे जो GPS प्रणाली स्कूल में पिछले 6 महीनों से एक ही अध्यापिका के सहारे चला हुआ है और हमारे स्कूल में जो तकरीबन बच्चे 70 से 75 हैं और विभाग को हमने कई बार बताया, जिसमें जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई टीचर नहीं भेजा जा रहा है। तो डायरेक्टर ऑफिस से एक ही जवाब आता है कि जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक हम टीचर भेजना जो है नामुमकिन। तो इससे जो हमारे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है दिन प्रतिदिन जो गिरता जा रहा है और हमारा जो बच्चों का बेस बिल्कुल ही बिगड़ चुका है और बच्चे जो है 6 महीने शिक्षा के जो है इस वर्ष के जो बीत चुके हैं, अभी बच्चे जो है बिल्कुल नील है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द जो है एक रिक्त पद को जो है भरा जाए और कोई भी अध्यापक जो है हमारे JBT इत्यादि कहीं और से ट्रांसफ़र करवा करके हमारे स्कूल में आए, ताकि हमारे बच्चों का जो निरंतर से निरंतर शिक्षा जो उनकी सुचारू रूप से चल सके।